हरिलाल की जय। हरिते आनंद की जय। जय श्री राधे। ओम ज्ञान चंद्रस्त ज्ञान कलाम
मंदहास सुमंदवतयो मंदभाग्य सुपर्वता। तो ये कलयुग में क्या स्थिति है, बोले तो आए करके कलयुग का जो परमाय बहुत कम है, सत्य युग में हजार एक लाख साल जिंदा रहते। कितना साल जिंदा रहते थे, जोर से बोलो, एक लाख साल जिंदा रहते थे। अभी तृतीय युग आ गया तो एक लाख साल का दस आ गया, लेकिन जब द्वापर युग आ गया ना, फिर एक हजार से दस हजार से हो गया एक हजार। फिर जब कलयुग आ गया हो गया सौ साल। अभी देखना सौ साल की कलयुग में कोई जिंदा नहीं रहते, क्यों? कलयुग में कोई वस्तु हमको प्योर नहीं मिलेगा, सब हाइब्रिड देखते हुए बनाते हैं। इसलिए कलयुग में धीरे 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 परमाणु खत्म हो जाए। लेकिन जो लोहार में गांव के जो भक्त है बहुत भाग्यवान, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है, तो प्योर हवा आपको मिल जाएगी, प्योर शुद्ध। अपना खेती का चीज खा रहे हो, खेती में परिश्रम करते हो, इसलिए आपको प्योर चीज मिलती है। इसलिए ताली बजा के लोग बोलते हैं। इसलिए ये गांव में आकर के ना हम लोग बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि अक्सर करके हम लोग शहर में बता जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आए और प्रभु से भर गए। क्या नाम क्या है, बहुत अच्छे की जो सेवा करते हैं। इसलिए देखो इस महान संतों के आश्रम में जैसे लग रहा है, और ये सिद्ध बाबा का आश्रम है, सिद्ध बाबा के आश्रम, इसलिए आप लोग बहुत भाग्यवान हो जो इसी गांव में तुम लोग निवास करते हो, अच्छे हो आपको सिद्ध की इसलिए कलयुग में धीरे 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 परमाणु कम होते जाएगा। फिर कलयुग में क्या है, बोले मंदा सुमंद होते हो, लोगों का जो मन है ना, क्योंकि जो स्मार्टफोन आ गया, टीवी आ गई, पहले सब चीज नहीं होता था। लोग जैसे आप लोग यहाँ मंदिर है, लोग मंदिर में एकत्रित होते थे, गीता रामायण पढ़ाई सुनते थे, हरि कीर्तन होता था, लेकिन ये सब उल्टा पल्टा चीज आ करके हमारे सब प्रदूषण कर दिया। इसलिए कलियुग का जीव का जो मन है ना, वो स्वाभाविक रूप में बुरी चीज में जाती है। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रभु की भक्ति में थोड़े लग जाए, अगर पत्नियां सत्संग सुन करके थोड़ी सी प्रभु की भजन करना शुरू कर दे, पति लोग क्या करेंगे, कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई हैं, कौन से बाबा की चक्कर में तो पड़ गई। अगर भैया लोग अगर थोड़ी सी प्रभु की भक्ति करे संतों का संग से, पत्नियां केवल कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता रामायण में देखो कहीं करते हैं। अगर बच्चे अगर थोड़ी सी प्रभु की भक्ति में जाए तो बोले तेरा कोई उम्र है, अभी से सब चिंता है, तिला का लड़े पेंटिंग अभी से तुम क्या क्या पहनते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर बीड़ी पीता शराब पीता है ना, कोई बुरा नहीं बोलेगा है। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु की भक्ति के तरफ में चले जाए, देखना पता नहीं गाँव में सब लोग उसका विरोध, एक कुत्ता तक भी उसका पीछा नहीं करते। इसलिए बोले कलयुग में कैसे जीवना तैयार होगा, आप तो गुरु जी की कृपा से सारे वेद पुराण इतिहास को गुरु जी की कृपा से आपने सब कुछ प्राप्त कर दिया। आप कृपा करके हमें बताओ कैसे हमारे कल्याण हो। तब श्री सौंदकार ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न किया है, और जो छह प्रश्न का जो उत्तर है ये पूरी ये श्रीमद् भागवत का, अब वो ध्यान देकर सुना, ये छह प्रश्न किया है, अब ये छह प्रश्न को आधार बना करके ये श्रीमद् भागवत कथा, ध्यान देकर सुना, कल मैं पूछूंगा, आज मैं बोलूंगा कल पूछूंगा, ठीक है। इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो घर में हम जो कुछ करके शांति सुनते हैं ना, जो कुछ करते हो एक ही चीज है, घर में शांति सुख कैसे रहे। इसलिए इनका पहला प्रश्न है हमारे संसार में बात मन को शांति कैसे।
ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। देखो एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ, क्योंकि जब तक जीवन में हमें प्रभु नहीं मिलते हैं, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे ना, तब तक कभी मन को शांति नहीं मिलेगी। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि विमुख भव सुख निपाक। भगवान से विमुख हो करके अभी तक उसको शांति सुख मिला नहीं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, जानते हो, घर में सब चक्का पैसा हो जाएगा ना, हम सुखी हो जाएंगे। हमारे मन में ही वहां पर नहीं भैया, रावण का नाम सुने होंगे, कौन कौन रावण का नाम जानते हो, सब जानते हो, जिसका सोने की लड़का था। हमारे पास में कितना सोना होगा, 1 किलो होगा ना, 10 किलो ना, 20 किलो होगा, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। मैंने कहा गुजर घर में बहुत सोना होता है, लड़की सबकी बहुत सोना भरा देते हैं, अच्छी बात है। इसलिए लेकिन हमारे रावण की पूरा लंका ही सोना ही सोना ही लंका है। लेकिन उसकी पत्नी है, हम क्या सोचते हैं, अच्छी कोई सुंदर किसी पत्नी से शादी हो जाए सुखी होगी। लेकिन रावण की पत्नी का नाम थी मंदोदरी। आपको पता है मंदोदरी मतलब क्या, मंदर मतलब होता है पत्नी, और उदर मतलब होता है बिकिया वैष्णव। उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर इतने पतली थी, पतली थी वो विश्वकर्मा की बेटी। विश्वकर्मा ने सारे सदगुण देख करके अपना बेटी को बनाया। रामायण देखो कि जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका में पहुंचे, उन्होंने मंदोदर को देख करके भ्रमित हो गए थे, बल्कि यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतनी सुंदर और एक सुंदर स्त्री नहीं, जहां से उसको सुंदर सुंदर लड़की मिली, स्वर्ग से कहीं अगर अक्षर मिली, महोर होकर पकड़ पकड़ करके कि कितने पत्नी उसकी घर में थी, जिसकी 1 लाख बेटा 1.25 लाख को थे, इतना उसका बड़ा परिवार था। बेटा के लोग कैसे इंद्रजीत है, रामायण देखे ही नहीं, इंद्रजीत जैसे आज्ञा का एक बेटा, लेकिन तब भी रावण को सुख नहीं दी गई है। शंकर जी को जब स्तुति कहते हैं, जब हे शंकर जी हे भोले बाबा, तथा सुखी भवा, यहाँ जीवन में शांति नहीं सुख नहीं। लेकिन देखना लंका में सबके सब तो बेचैन में रह रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति चैन में रह रहा था, एक व्यक्ति सुखी में रह रहा था। बताओ तो कौन रह रहा था, कौन भोले बाबा भगवान राम ने पूरा सब मार कर लंका किसको छोड़ दिए, विभीषण को। क्या शिक्षा देते हैं, जो व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में आएगा वो ही केवल बचा रहेगा, और नहीं तो कोई भी दुनिया में बचेगा नहीं, सबसे ज्यादा काल सबको नष्ट कर देगा है। इसलिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में हमें भगवान कैसे मिले, क्यों जब तक जीवन में प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक जीवन में शांति हमें नहीं मिलेगी। तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथा सुना। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, भगवान कभी राम बन करके आए, भगवान कभी वामन बन करके आए, भगवान कभी नरसिंह बन करके आए, इसलिए हमें भगवान के सारे अवतार का कथा सुना। पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जस बताओ, जैसे कृष्ण 7 दिन के जब थे गिरिराज उठा गया, इसलिए भगवान के
लेकिन जब प्रभु दास करने से सत्तर करोड़ गोपियां थी ठाकुर जी सत्तर करोड़ रूप धारण किए, इसलिए अज्ञानी ने अपना बेटा का नाम नारायण रख दिया था और बेटे को नारायण बोलते बोलते मुक्ति। भगवान की नाम है, भगवान की जो जस है अद्भुत है, आप कृपा करके हमें बताओ। और हमारा जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब के दुनिया छोड़ करके गए और कलयुग में धर्म कहाँ पर आश्रय दिया, कलयुग में धर्म कहाँ आश्रय दिया, बल्कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। जो व्यक्ति कलयुग में ये भागवत सुनते हैं वो भागवत नहीं सुन रहे हो, साक्षात श्री बांके बिहारी से मिल रहे हो। किस से मिल रहे हो? बांके बिहारी से मिल रहे हो। कलयुग में धर्म की भागवत ग्रंथ के धर्म है। जब उन्होंने ये छह प्रश्न की, इसको सुन करके स्वर्णकार ऋषियों की सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े सुंदर तुमने ठाकुर की प्रश्न किया, केवल आपकी हरी चर्चा होगी। तब उन्होंने बोले, सबसे पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करता है तुम्हारी उत्तर दुर्गा। बोले पंच गुरु पद पदो लेकिन आप देख रहे संसार में वो दो समस्या गई नहीं,
इसे तीन समस्या है, एक नहीं समस्या तो बाहर की समस्या, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है आत्मा की शांति कैसे मिलेगी, जो करोड़ों रुपया के प्रश्न है, ध्यान देकर सुनाओ। अगर चाहते हो आत्मा को शांति मिले, ध्यान देकर सुनो, जो चाहते हो हैं क्या कहते हैं, बोले सवई गुरु शांत करो धर्म जप भक्ति भगवान के शरण नहीं जाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जीवन में जो कुछ करने पर भी भैया जीवन में संपूर्ण शांति नहीं मिलेगी। हनुमान जी को देखो, हनुमान जी जी पर क्या करते हैं, बोलो रघुपति राघव राजा रघुपति करते हैं ना राम की सेवा और राम के नाम करते हैं। कृष्णा के नाम और कृष्णा की सेवा करते हैं। शंकर जी यहाँ पर बैठे हुए, देख लो शंकर जी का आदर करो, ये भोले बाबा बैठे हैं ना, शंकर जी जी पर क्या करते हैं, अब रामायण पढ़ते हैं, देखो बोले महामंत्र जय जप पंचमुखे राम नाम दान भी पूरा दी, शंकर जी पंचमुखे राम का नाम ही लेते हैं। माता पार्वती को देख लो, माता पार्वती घर में पूजा करते हैं ना, फिर हमको एक आठ हाथ में एक हाथ में देख लो माला है, एक हाथ में माला है पार्वती की। एक दिन शंकर जी को पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु किसके नाम लेनी चाहिए, शंकर स्वयं कहते हैं राम रामती रमती रम रमी मनोरमे सहस्र नाम विष्णुय श्री राम नाम बलन। हे सुंदर पार्वती, एक हजार विष्णु नाम लेने से जो फल है, एक बार श्री राम नाम से वही फल है। इसलिए माता पार्वती आठ हाथ देखना एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला है। गणेश जी सबसे पहला गणेश जी बोलती है, क्यों गणेश जी सबसे पहले पूजा होती है, ध्यान दे सुना, बोले एक समय 33 करोड़ देवता बैठे, अभी इनका जब मृत्यु तो हुई, ये 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पूजा किसकी होगी, बोले जो विश्व ब्रह्मांड में कल्पना करके आ जाए, सब देवता तो चले गए, लेकिन गणेश जी ने क्या किया, राम का नाम ये करके तीन बार कल्पना कर रहे हैं, तीन बार परिक्रमा कर बैठे। जब विधि हुई किसने कहा मैंने परिक्रमा की, किसने मैंने, गणेश जी बोले उनको एक ब्रह्मांड का परिक्रमा किया, मैंने तो अनंत करोड़ ब्रह्मांड को तीन बार मैंने परिक्रमा कर दी, तीन बार परिक्रमा कर दी अनंत करोड़ ब्रह्मांड को, गणेश जी देखा तो गई। इसलिए भगवान जी कहते हैं महिमा जासु जान गग राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, क्योंकि नाम की प्रभाव से पहला पूजा श्री गणेश जी की होती है। अगर तुम लोग भी चाहते हो ना हमारे दुनिया में पूजा हो, क्या करो हरि के नाम लो, हरि की नाम लो, हरि की भजन करो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि जीवों को कभी सुख नहीं पाता, हरि से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को शांति नहीं मिली, तुम कितने पैसा कमाओगे, कितने सुंदर स्त्री से शादी, कितने बच्चे जन्मोगे, इसका एक लाख बेटा सवाल है ना, आपकी शांति नहीं। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो क्या करो, हरि की भजन करो, हरि की नाम करो, हरि की नाम को करो, तभी जीवन में शांति मिलेगी। लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं है, भक्ति में कोई निष्काम रूप में भक्ति करना पड़ेगा, और जो भक्ति है वो निरंतर जैसे होनी चाहिए, 26 घंटा में 26 घंटा प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। आप बोलोगे ध्यान देकर सुनो, आप बोलोगे थोड़ी हम साधु संत हैं,
चट्टी हमारा थोड़ी मान लो नहीं पड़ी जाए, हम तो घर गृह लिए ना, घर गृह लिए दुनिया तारी कोई सारा तो माला लेकर बैठ जाए। बोले भैया माला लेकर बैठ गए जरूरत नहीं, भागवत कथा में देखो इसमें जिंदगी में हमें कथा है ना, तो गृहस्थी कथा है, परिधि महाराज की गृहस्थी, अंबरीश महाराज की गृहस्थ, गोपियां भी घर में थी, गोपियां तो गुजर थी ना, गुजर राधा ने तो गुजर के ना, तो गुजर थे अपने से अब कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन गुजर थे, कौन है ये गोपियां कृष्ण के सबसे बड़े भक्त दिए भक्ति, ये गुजर ही सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए तुम लोग बड़े भाग्य से गुजर घर में रह रहे हो, गुजर घर में जन्म, इसलिए गुजर किया कौन लोग कन्हैया तेरे घर में आया हूं, इसलिए सबसे तो श्रेयस करते। लेकिन यहाँ पर कहते हैं हाथ में जो कुछ कर खाते हो सेवा ना कर, घर में झाड़ लगाओ, कहाँ झाड़ लगा रहे हो, भगवान की मंदिर, अब मुंह में नाम लो, रसोई बना के किसके लिए, ठाकुर जी के लिए, बच्चों को थपथप लगा कर सुला रहे हो, गोपियों भी बच्चे थे लेकिन इधर तक थपथप लगा कर सुला रहे थे, लेकिन उधर क्या करते थे, बोले हरे कृष्णा हाथ लगा लो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इनके बच्चे बात ना करना ज्यादा तो बोलती हूँ, चुप कर बैठो, अब जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसे हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, अरे बोलो मुंह में ठाकुर जी की, वाह हो गया, अपने बेटा पार हो गया। इससे पहले कहिए कि तुमने भगवान को पाने का जो सबसे सरल उपाय है क्या है, ठाकुर का नाम करते हैं, केवल हरि का नाम उठा कर लो, हर बेड़ा पार, बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारी हरि की नाम से ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। इसे महाप्रभु कहते हैं नियम का स्मरण बता लो, मैंने ये नहीं बताया केवल पवित्र होकर कर सकता नहीं, अपवित्र अवस्था में भी अपना नाम को ले सकते हो, पवित्र अपवित्र किसी समय में भी ठाकुर का नाम को ले सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं, ठीक है ना, इसलिए सब के सब ठाकुर की नाम जप करो, नाम जप से ही हमारी कल्याण होगी, ठीक है। आज एकादशी है और कल है भागवत कथा में चौथा दिन होगा, कितना दिन होगी कल, चौदह दिन, देखो चौदह दिन में कल ठाकुर ने जन्म लेना है, बांके बिहारी कल जन्म लेंगे, इसलिए जब मैया यशोदा गर्भवती धारण की, जितने ब्रज की गोपियां थी वो छह छह महीना पहले चौदह से ब्रज की रहेगा, सुंदर की हाँ बड़ी सुंदर अलंकार बना कर रहे थे, बोले लाला का जन्म होगा तो हम सब कैसा स्वीकार करके बधाई देने आए, इसलिए कल आप लोग लेकिन कोशिश करना सबके सबके से पिला पिला करके अच्छे अच्छे कपड़ा पहन कर एकदम बढ़िया बढ़िया गोपी भाव से सबके साथ अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के जाना, कल बड़े अच्छे तरह से नंदन के आनंद का पर्व हो, जय कन्हैया जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की, बड़े धूमधाम से कल यहाँ पर श्री नंदन महोत्सव मनाएंगे, ठीक है। हाँ देखो और जब घर से आओ ना जैसे लुटा है ना कभी है बाबा सा है कुछ ना कुछ लेकर आना, क्योंकि जो कथा है आप सब मिल करके कर रहे हो, इसकी अकेले व्यक्ति का ये कथा नहीं है, आप लोगों की मदद से ही सब बुजुर्गों से ही ये कथा हो रही है। अरे कल भगवान जन्म लेंगे इसलिए सबके सब अड़ोसी पड़ोसियों को बुला कर आना, अकेले है ना दस दस गोपियों को लेकर के आना और दस दस गोपो को लेकर, ठीक है ना, कन्या कन्या से भगवान की जन्मोत्सव मनाएंगे, ठीक है, और बच्चों को सब बाल बालों को कन्या
अच्छे कपड़ा पहना करेगी और कल बड़े धूमधाम से कल महोत्सव करेगी। ठीक है, देखो इसमें एक प्रश्न था, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय भगवान के नाम है। हमारे बीच में हमारे गुरु जी की सिस्टर है श्री राजकुमार प्रभु जी, आपको बड़ी कथा सुनाएंगे कलयुग में कैसे है नाम कैसे सर्वश्रेष्ठ महिमा हर का नाम का महिमा क्या सुनाएंगे। और एक भी आपको सुनाएंगे एकादशी की महिमा, एकादशी व्रत क्या करता है। आज एकादशी है ना, कौन कौन एकादशी व्रत करते हो? हाँ बुढ़ा, कौन कौन एकादशी व्रत करते हो? बुढ़ा हाँ सब लोग तो रखे हो, ताली बजाओ तो दे दी। यहाँ अभी हम लोग सुनेंगे एकादशी की अच्छी कथा हम लोग सुनाएंगे। हाँ क्या पाने के एकादशी करना कथा रूपी मंदार के लिए भिन्न
एकदम यहाँ के हो गया और खबर ना मिले, ठीक है। तो एक बड़ी सुंदर बात है, कथाएं तो महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर कह रहे हैं हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु जी, कितनी सुंदर आत्मा को एकदम स्पष्ट रूप में भागवत जी की कथा में सुना रहे हैं, एकदम गहराई से जाकर चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। तो सच में आप सब लोग क्यों भाग्यशाली है। एक महाराज जी बात कह रहे थे कि जिसको एक माता का काम करके यही आती है तो जो उनके पति है वो कहते हैं कि बाबा के चक्कर में पड़ गई। मैं अपने हृदय की बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से, आप मुझे अपना बच्चा समझ के अपने भाई समझ के स्वीकार कर लेना। ऐसे बाबा के चक्कर में पड़ने से क्या होगा पता है, हमारा घर में मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने से ज्यादा अच्छा यही है कि हम इनके उपदेशों में पड़ जाए। ये आज्ञा है, ये जो भी उपदेश देने जाएंगे महाराज जी हमेशा तो नहीं रहेगा, कभी भारत करने आ जा गए एक छह महीने बाद साल भर बाद आएंगे, लेकिन जो भी उपदेश देने जाएंगे ये उपदेश को धारण कर लेना, ये उपदेश को धारण करके उस चक्कर में घूम जाना। आपको मैं निश्चित कह रहा हूँ भारत जी प्रमाण है, साधु प्रमाण है, स्वयं साक्षात श्री हरि प्रमाण है, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। जो कथा है ना ये कथा इस गांव में हमने कहा, एक पास गांव तो भी गुजर गांव में हमने कहा, लेकिन तो कथा को हमने कहा कि किसी कारण से वो कथा कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। तो मैंने सोचा इतना जल्दी इसे कथा कैसे हो सकती है, और इतने जल्दी अभी चार पांच दिन में, अभी चार पांच दिन में लोग हमने बहुत सारी जगह पर देखा, साल साल से कथा के लिए व्यवस्था करते हैं, कार भी छपा देते हैं, कार भी छपा करके बैठ जाती है, लेकिन चार पांच दिन पहले ऐसे कोई घटना होती है कथा कैंसिल हो जाती, कथा नहीं हो पाती। लेकिन लोहारी गांव के भक्तों का भाग्य देखो, यहाँ पर कथा की कोई बात नहीं, केवल तीन चार दिन पहले यहाँ पर कथा होने की बात आई, वो माता जी चिंता में पड़ी थी इतना जल्दी कथा नहीं होगी। आप लोग देखिए माताएं भक्ति भक्ति माताएं आप लोग अच्छी हो, आप लोगों ने बोले ठीक है ये कथा हमारी गांव में हो जाए, ये कथा हमारी गांव में हो जाए। इसलिए जिस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आते हैं, ब्रह्म लोक से ब्रह्मा आते हैं, सीम लोक से शंकर जी आते हैं, वैकुंठ से वरुण जी आते हैं कथा सुनने के लिए दुर्लभ। लेकिन आप लोग बैठ बैठ करके कथा सुनने को मिलते हैं, और आप लोग काम देके सुनिएगा। एक छोटी सी कथा बता रहा हूँ, अभी कुछ 500 वर्ष पूर्व की, जब जब युगलवारी सचिनंदन गौर हरि इस धराधाम पर अवतर हुए, जिन्होंने इस नाम रूपे भुवन मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन हमें सब भी कहते हैं, भुवन मंगलकारी हरिनाम ये भगवान का नाम कहता है, ये समस्त भुवनों को मंगल प्रदान करने वाला, सबका मंगल करने वाला, पृथ्वी ही नहीं अपितु पृथ्वी के ऊपर और नीचे जितने भी भुवन है सबका मंगल करने वाला ये भगवान का नाम है। तो एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था सुबुद्धि, सुबुद्धि नाम के एक राजा थे, ये बड़े धर्मप्रिय राजा थे। ये राजस्व जब कर रहे थे तो इनके राज्य में प्रजा बहुत ही युक्ति और संपन्न थी, इनके राज्य में इनके राजस्व में सब संपन्न थे, सब सुखी थे। इनका एक सलाहकार था, इनका एक सलाहकार कह लीजिए या इनका एक एम्प्लॉय कर्मचारी था, जो जिसका यह दायित्व था कि वो अपने नगर का कर वसूल के राजा के राज को उसने सुरक्षित रूप से रखवा देता था। वो जो व्यक्ति था वो था मुस्लिम, जब मुगलों का शासन था आज से 500 वर्ष पूर्व मुगलों का शासन था, लेकिन ये राजा तो हिंदू थे, धर्म प्रिय थे, राजा सुपुत्र जो थे, लेकिन इनका ये जो कर्मचारी था, ये जो कर वसूलने वाला एक तरह से क्या करते सूबेदार टाइप स्टाइल के होते होते होंगे, तो ये अपने नगर का कर वसूल करके राजा के कोष में सुरक्षित रखवाता। तो हमारे गुरु ने कथा में बताया कि उस समय उस राज्य थे उस नगर थे जहाँ से वो कर वसूलते थे, तो कह रहे हैं कि कुछ 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं वसूली जाती थी कर के रूप में। एक बार क्या हुआ कि उनके हृदय में किसी
पिता का लोभ आ गया। वो जो कर्म सुनने वाला कर्मचारी था, वो मुस्लिम वर्ग का जो कर्मचारी था, लोभ आ गया। Thank you.
होने के नाते ब्राह्मण होने के नाते उसको मृत्यु को नहीं दी जाना चाहिए थी, लेकिन क्या है कि समाज में जिसका सम्मान होता है आप उसको अपमानित करके छोड़ देंगे तो वो अपमान भी उसका मृत्यु में ही समान होता है। तो यहाँ पे बुद्धि तो वो तो राजा थे, बोलेंगे तुम क्या करना चाहे, कहेंगे इनको इनका अपमान कर देते हैं, मृत्यु तो नहीं देंगे पर इनका अपमान कर देते हैं। अपमान कैसे करें, बोले ये बड़े धर्म प्रिय हैं तो इनका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, इनका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। कि धर्म भ्रष्ट कैसे होगा, ये जो गाय के चमड़े से बनी हुई मस्तक है, इस मस्तक में जो भरा हुआ पानी है उस पानी को इनको पिला देते हैं। देखो हमारे लिए तो बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए तो क्योंकि हम तो सब कुछ खा रहे हैं, लखन प्याज भी खा रहे हैं, बहुत से लोग मांस भी खा रहे हैं, चमास किसी का भी हो चल रहे गाय का हो, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम धर्म हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया या हो जाएगा हमें क्या लेना, हमको तो पैसा कमाना है ना, क्योंकि हमको तो हिंदा का सबू और हिंदा बनना है, हमारा तो उनसे धर्म कमाना है सीधी सी बात। तो बोलेंगे लेकिन जो धर्म के प्रेमी है उनके लिए चीज बहुत मायने रखती है। तो गाय के चमड़े से बने हुए मस्क के जल को उनको पिला दिया जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। अब जब राजा का धर्म भ्रष्ट हो गया, सुनती राजा का धर्म भ्रष्ट हो गया, वो तो बड़े व्याकुल हो गए कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब मैं कहीं किसी समाज में बैठने लगे नहीं रहा, अब मैं कैसे अपने जीवन को पूरा करूंगा। तो इसी भाव को लेके वो अपने मंत्रियों से सलाह करने लगे, एक मैं कैसे अपने धर्म में पूरा साथी खोल सकता हूँ। तो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बड़े बड़े शास्त्रों को जानने वाले थे, बोले कि महाराज इसका तो कोई उपाय नहीं है, आप ऐसा करो खौलता हुआ जो है घी पियो, खौलता हुआ घी पियो। अब खौलता हुआ घी कोई पिएगा तो वो जीवित रह पाएगा, वो तो एक प्रकार से मृत्यु ही क्यों होनी है। बोले कि इससे भी अगर आपका धर्म नहीं वापस आया तो क्या बोले, आप खौलता हुआ तांबा लोहा जो पदार्थ है वो पियो, ये तो सब मृत्यु वाली बातें हो रही है। अब वो तो बड़ा विचलित हो गया सुबुद्धि राजा, वो ऐसे अपने राज्य को छोड़ के राज्य को मंत्रियों को सौंप के अपने परिवार को सौंप के अपने उस पाप के प्रायश्चित के लिए अपने राज्य को छोड़ के निकल पड़ा। अब जब निकल पड़ा तो मैं अभी बात बता रहा हूँ कुछ 500 वर्ष पूर्व की, ये बड़ी पुरानी बात नहीं है, ये किसी ग्रंथ की या शास्त्र की बात नहीं है, हमें कहता था लिखा था शास्त्रों में हजार साल पहले हजार वर्ष पहले, ये तो अभी 500 वर्ष पहले की ही बात है। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में घर धाम पर अवतरित हुए थे और ये नाम रूपी गंगा को दसों दिशाओं में बहा रहे थे, तो फिर जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के पास में वो बुद्धि राजा को श्रीमद महाप्रभु का दर्शन होता है, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का जब उनको दर्शन होता है तो दर्शन आगे वो कृतार्थ हो जाते हैं और महाप्रभु बड़े दीनहीन करुणा वर्णन में उनको देख के तुम्हें समझ में आते हैं कि उनको साक्षात भगवान है, बोलते हैं कि तुम्हारी क्या कथा है, तुम इतने परेशान हो, तुम इतने मायूस क्यों हो। तब वो अपनी वेदना बताते हैं पूरा वृतांत और आता सुबुद्धि महाप्रभु के लिए क्या कहते हैं, बोले कि बस कितनी बात, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो, अरे तुमको कुछ नहीं करना, जो ये बात कह रहे हैं ना कि तुम खोलता हुआ घी पी लो, खोलता हुआ कांटा पी लो, वो तुमसे मूर्ख है, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा जरूर है लेकिन जाने कुछ नहीं, तो तुम क्या करो अपने धर्म में हरिनाम करवाएंगे, महामंत्री करवाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नाम ही सार है,
मुझे समय कर दिया देखो बिल्कुल भक्तों ने कथा की बड़ी बहुत मुझे मदद किया है देखो विजयन भाई विजयन भाई जन नारे यहाँ कितनी सुंदर कथा चल रही है और सच में आप लोग यकीन मानना हम तो फेसबुक को यूट्यूब इन सारी चीजों को यूज करते हैं कथा कीर्तन के लिए और देश विदेश में माता जी का इतना प्रचार है अभी माता जी विदेश चाहेंगे होके ही आए थे उसने जितने लोग देश विदेश में सुनते हैं और सच में ये आप लोग सच में बहुत पुण्यशाली है इस बार आप सब लोगों ने कुछ लोग बोलते हैं अरे
सद्भावों को भी एकादशी नहीं रखनी चाहिए, केवल विधवा ही रखते हैं, और बच्चे बुरे और अभी क्या एकादशी करने के समय है, सोचते ही हैं। तो देखो ये शास्त्र में भागवत में इसको बता रहे हैं कि इसके कोई भी नियम नहीं है। शास्त्र बता रहे हैं 8 वर्ष आयु से लेकर 80 वर्ष तक, 80 साल यानी 8 वर्ष से कोई छोटा बालक है उसके लिए नियम लागू नहीं है। 80 साल से कोई ऊपर हो गया और नहीं करेगा तो चलेगा, इसका मतलब नहीं कि छोड़ देगा, नहीं करेगा तो चल सकता है। लेकिन 8 से 80 वर्ष तक साथ जितने भी व्यक्ति है सबको नियम पूर्वक एकादशी व्रत करना चाहिए, ये विधि बता रहे हैं। और देखो कोई कोई बोलते हैं कि विधवा नहीं करनी चाहिए, कोई कोई बोलते हैं विधवा लोग नहीं करनी चाहिए, बोले ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं, ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है। लोग अपने आप को मनमार्जी कुछ ना कुछ बता ही देते हैं, कोई भी शास्त्र आप ढूंढ के देख लो किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है। एक सबसे बड़ी एकादशी आती है कौन से जानते हो, साल में सबसे बड़ी एकादशी पांडवा निजरा एकादशी, जिसको पंच पांडव ने मिलकर के एकादशी को किए थे। पता है इस एकादशी को द्रौपदी माता ने किए थे। अब द्रौपदी क्या विधवा थी, 5 पति थे द्रौपदी के, बताओ द्रौपदी विधवा थे नहीं। इस एकादशी को एक एकादशी होता है पुत्रदा, जिस एकादशी को व्रत करके स्वयं नंद बाबा यशोमती मैया व्रत किए और व्रत करके स्वयं कृष्ण उनके घर में जन्म ग्रहण किए। अब बताओ यशोमती मैया कोई विधवा है, विधवा थी क्या, बोले नहीं, ये कुंती माता करती थी। शास्त्र में देखना सारे के सारे जो भक्त लोग, सारे के सारे भक्त, सबके सब भक्त चरित्र में श्रवण करोगे, सारे के सारे भक्त केवल एक ही व्रत करते हैं, वो है एकादशी व्रत। भागवत जी में 9 स्कंध में अम्बरीश महाराज जी का चरित्र आता है, ये अम्बरीश महाराज खुद एकादशी करते थे और पूरे गांव में भिंडोरा फिरवा देते कि भैया कल एकादशी है करके, लेकिन राज्य में किसी के घर में नदी के चोले चौके में अन्न नहीं बनेगा, रोटी सब्जी नहीं बनेगी, कल एकादशी नियम पूर्वक करना, और जो जो इस व्रत को पालन नहीं करोगे उसको दंड दूंगा। अम्बरीश महाराज जी के लिए शास्त्र में बता रहे हैं कि अम्बरीश महाभाग्य सप्तदेव छोटे मोटे स्थान पे नहीं, सप्तवर्ती पूरा भारतवर्ष पूरा पृथ्वी में उनका एक छत्र राजा थे, फिर भी देखो एकादशी खुद करते थे और सबको एकादशी करवाते थे। इसी कारण एक समय दुर्वासा आते हैं, तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए तो दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के भगवत इच्छा से आए थे, दुर्वासा ऋषि घबरा गए, सुदर्शन चक्र का नाम है पाप मोचन, सारे पाप को नष्ट करने वाली।
एक एकादश का नाम काम था, सारे मनोकामना को पूर्ण करने वाले। इसीलिए भैया एक एकादशी ऐसे एक व्रत थे जिसको बोला गया है कल्पतरु। कल्पतरु कल्प वृक्ष साक्षात जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इसीलिए एकादशी में एकादशी चरित्र में रुक्मांगद महाराज जी की कथा आता है कि रुक्मांगद महाराज पूर्व जन्म में एक हिमालय घर में जन्म हुए थे। किसी कारण जैसे ग्रस्त में पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो गया सुबह उठते ही। अब झगड़ा हो गया तो पत्नी ने बोला कि आज झगड़ा कर दिया मैं सुबह, आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। पत्नी बोले मैं बनाऊ तब तो खाओगे, मैं आज बनाऊंगी नहीं। तो ऐसे झगड़ा करके भूखे रहेंगे। अब देखो अमृत हो या भी को अगर अनजाने में कोई पी लिया तो जिंदा रहेगा या मरेगा? कोई बोलेगा अरे मैं तो नहीं जानता था यार बीज को पी लिया मैं क्यों मरूं? हो सकता है? बोले संभव नहीं है। इसलिए एकादशी साक्षात भक्ति जननी, भक्ति को प्रदान करने वाले भक्ति के साक्षात मैया है। इसलिए जान बुझ के करो या अनजान में करो, जान बुझ के करो या अनजान में करो, ये एकादशी करने से क्या हुआ, अगले जन्म में रुक्मांगद महाराज और रानी जो पत्नी थे उनके रानी बन के दिव्य राज्य प्राप्त हुआ, दिव्य शासन प्राप्त हुआ। इसलिए भैया ये एकादशी नियम पूर्वक करना चाहिए। देखो और एक बात है, हम लोग तो अन्न नहीं खाते है ना, हम लोग अन्न नहीं खाते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैया लोग क्या करते हैं, घर में अन्न बना देते हैं, रोटी चावल बना करके खिला देते हैं। आपको एक प्रश्न पूछा भैया, क्या आप अकेले रहना चाहते हो? अकेले जाना चाहते हो क्या? अपने पति अपने पुत्रों को क्या घर भेजना चाहती हो? चाहती हो? बोले क्यों खिला रहे हो उनको एकादशी का? देखो बढ़िया बढ़िया चीज बन सकता है। गुरुदेव बता रहे थे ना कूटे के कूटू का पकौड़ा बड़ी सुंदर खीर। हाँ हमारे एक महाराज जी थे तो उन्होंने हैदराबाद में थे तो बता रहे किसी समय वहां में डीएस भी आ गए, तो किसी का डीएस भी आ गया उस दिन को एकादशी था। और डीएसपी का नियम था कि रोज वो क्या करेगा, चावल रोटी के बिना वो रह ही नहीं सकता। महाराज जी ने कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया अपने हाथ से प्रसाद बनाए, सबके साथ पूरा बढ़िया फ्रूट पूरी बढ़िया मक्खन देके खीर बनाए, कुटू का पकौड़ा ना साना का खीर सुंदर तरीके से बनाए, ठाकुर को भोग लगा करके डीएसपी को दे दिया। अब पुलिस अधिकारी ने सच्ची घटना है उसने खा के बोला बाबा रोज रोज एकादशी करो। मैंने बोला बाबा रोज रोज एकादशी करियो, रोज रोज चाहिए ठीक है। अब देखो
कल भगवान कृष्ण जन्म लेती, आप लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाना, ठीक है? सच करके कल आना, कल बड़े अच्छे तरह से नाचे के आनंद लो। जय कन्हैया, हर जो बोला जय कन्हैया, और कुछ टफी जैसे किरणा जैसे बता सकते जैसे लुटा दी कुछ कुछ लेकर जाना, क्योंकि सब कथा आप लोगों का ही कथा है, आप लोग तो मिलकर कहते हो। और मेरे साथ में हरे कृष्ण, मेरे साथ में यहाँ पर बैठ करके थोड़ी सी कीर्तन कर लो, हरिनाम कर लो, ठीक है? क्योंकि आज एक बार हरिनाम करोगे, एक बार हरिनाम करने से 100 बार हरिनाम करने का फल मिलता है। हाँ देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, एक दिन भक्तों ने महाप्रभु को निमंत्रण किया हमारे घर में भोजन, भगवान बोले देखो सब तो घर में भोजन नहीं करता, बोले पर किसको कैसे करो, बोले जो लगता भी बनेगा। आज से 500 साल पहले लगभग मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, कितना हो अर्जुन से बोलो, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो, भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया नहीं है, 100 रुपया मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो, भक्त लोग दुखी हो गए। बच्चों यहाँ समझा, इसलिए हमारे घर में 100 रुपया देखो भगवान क्या समझाए, भगवान भक्तों को बैठा है समझाए, बोले जानते हो असली लक्ष्मी को, बोले रोज जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, इसलिए पिया कहती है ले लो ले कोई राम का प्यारा, आवाज लगा गली गली, राम नाम की हीर गली, मैं भी तेरा लगी गली। आप सुने वो अमिता बच्चन, वो पहले दूसरी तीसरी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी कैसे कौन बनेगा लखपति, आप देख लो लखपति बनेंगे, जैसे ये माला है, जैसे हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे बोल करके उसमें एक मोती सरकेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते 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 जब खत्म हो जाएगा इसको पार नहीं करना, फिर घुमा देना, देखो 1 लाख एक होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया है, तो एक बार नाम लेने पर 16 बार हो जाता है, और 2 बार जो 2 मोती सरके का 32, 3 बटी 4 बटी 24 बार है, जब इसको अगर 16 बार माला कर दिया हो जाता है 25,000, अगर इसने 64 माला कर दिया ना हो गया 1 लाख। भगवान खुद कह रहे, मैं नहीं कह रहा, भगवान कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं जब की, बोले क्या की, बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फीस डिपोजिट हो गई, ये भगवान कह रहे हैं 1 लाख रुपया फीस डिपोजिट हो गई, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, ब्याज तो मिली कहे ना, ये क्या कह रहे हैं, बोले दीना दीना भया दबायो पायो ही मैं मरने में सब जगह डरे, लेकिन मेरा मन आनंद, इसने कहा भैया कोरोना आया था ना, कोरोना आया था ना, कोरोना में सबके दर घर में बंद हो गए, घर में घर से कोई बाहर नहीं निकल रहे, तो क्यों मर नहीं जाए, दुनिया कोई करना चाहते हैं नहीं, लेकिन ये कभी कह रहे हैं तो करने के लिए खुश हो रहा हूँ, इसने कहा भैया तू क्यों खुश हो रहे, देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं, वो कह रहे मेरे जिंदगी घर में प्रभु का नाम जप किया, पता नहीं कौन सा जीवन में जाना पड़ेगा, अभी तो ठाकुर जी की कृपा करके मानव जन्म दिया, अगले जीवन में कौन सा जानवर थे तो पेड़ पौधा जीवन में जाके पता नहीं, फिर नर में जाएंगे 14 साल के दिन भ्रमण करके उसके कहते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते मैं खुश हो रहा हूँ
क्योंकि जितने प्यार मैंने प्रभु की माला में जब की है मेरे लिए तो फिर सब दीपक ही रखा हुआ ठीक है ना। आज एकादशी है बहुत अच्छी दिन है। जिनको पास नहीं बोली हो लो फिर बाद में वापस दे देना। हाँ लेना नहीं भाई लोग ले लो उस तरह तो भाई लोग जिनके पास नहीं पहुंचेगा आप मेरे साथ साथ में करो कोई दिक्कत नहीं आपको फल मिलेगा। वृंदावन में वाक्य भी आई